महिंद्रा बोलेरो नियो को 15 जुलाई 2021 को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम से गाड़ी टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही थी, काफ़ी रूमर्स भी आ रहे थे। पहले 2021 के स्टार्टिंग में आने वाली थी, उसके बाद में जून में आने वाली थी, फिर कुछ लोगों ने कहा कि सितंबर में आएगी, लेकिन अभी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, 15 जुलाई 2021 को लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी के बारे में बात करें, जितने इसके बारे में इंफॉर्मेशंस निकल के आई हैं, जितनी फोटोज़ लीक हुई हैं, कुछ इसके वीडियोज़ भी निकल के आए हैं, उनको देखने के बाद में लगता है कि गाड़ी बोलेरो नाम के लिए नई गाड़ी रहने वाली है, ना कि महिंद्रा के लिए ये नई गाड़ी रहने वाली है, क्योंकि ये काफी हद तक TUV300 ही है। इंटीरियर्स गाड़ी के जैसे पिक्चर्स में वीडियोस में देखे जा रहे हैं, सेम TUV300 वाले ही हैं गाड़ी के अंदर में, एंड एक्सटीरियर से भी गाड़ी के अंदर में TUV300 की ब्रांडिंग नीचे की तरफ आती थी टेलगेट में, बोलेरो नियो की ब्रांडिंग ऊपर की तरफ कर दी गई है। बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ बहुत बड़ा बदलाव गाड़ी में नहीं है। अभी जो लोग TUV300 गाड़ी ऑन करते हैं, उनके लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज है कि वो लोग अपनी गाड़ी को बोलेरो नियो काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेलगेट से TUV300 हटा के बस उस पे बोलेरो नियो लिखवाना है और बन गई बोलेरो नियो। बोलेरो नाम के लिए अगर एक और बड़े बदलाव की बात करें, तो अभी गाड़ी में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाएगा। बाकी गाड़ी को चला के देखने पे पता चलेगा पेट्रोल इंजन में गाड़ी कैसी चलती है। अगर आप लोग भी बोलेरो का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।